हमारे टेबल्स पे जो हमारी तीन रिकमेंडेशन हैं वो सबसे पहली जो है वो एडवोकेसी से रिलेटेड है. इम्प्लीमेंटेशन जो जॉब कोटा है पाकिस्तान में उसकी इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करवाने के लिए रिलेटेड इदारों के साथ तावन करना, उन फॉलो अप करना और जो स्किल सेट है उसके हिसाब से नौकरियों का उसूल, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैंने एमएस किया हुआ है तो मेरी जॉब जो है वो उसके मुताबिक हो. तो ये जो कंपैरिजन एंड कंट्रास्टिंग है ये इसमें शामिल है. नंबर टू जो है जो क्लियरली ब्लाइंड लोग हैं, जो इनकम जनरेटिंग ग्रुप में नहीं आते, जिनको हम कह सकते हैं कि 100% डिपेंडेंट है, वो प्रेजिडेंट हैं, पेशेंट्स हैं, उनके लिए सोशल प्रोटेक्शन ग्रांट्स इस तरह की फैसिलिटी जो उनको फाइनेंशियल मजदूरी से बचा सके, बेसिकली डिपेंडेंस से बचा सके. सेकेंड हमारी रिकमेंडेशन ये है सर, मैं कुछ मिस कर और जो थर्ड चीज़ है वो हमारे हिसाब से जो हम सब टैक्स पे आए हैं, ठीक है, जिस तरह पर्सन विदाउट लाइनर्स टैक्स पे कर रहे हैं हम भी पे कर रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा. तो मेरी पास रिकमेंडेशन थर्ड ये भी होगी कि जो ब्लाइंड लोग टैक्स पे कर रहे हैं और जो बाकी लोग भी कर रहे हैं उसका ब्लाइंड लोगों पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है और इस पर भी काम हो, चाहे वो हमें रिलीफ मिलना चाहिए टैक्स के ऊपर या अगर रिलीफ पॉसिबल नहीं है तो वो हमारे ही कामों में यूज होना चाहिए, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे लोगों को जॉब और रिसोर्सेज मिलना चाहिए. सो दीज आर थ्री रिकमेंडेशन फॉर टुडे. थैंक यू बिलाल भाई.